सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। एएमयू क्लास 9th का एंट्रेंस आज हो चुका है, 6:15 पे पेपर ख़त्म हो चुका है। आप सब अपने घर जा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे होंगे, अभी कुछ ट्रेन में बैठे होंगे, कुछ बस में जा रहे होंगे, कुछ रूम में यहाँ पर अपने होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। तो बात करेंगे आप इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में। एक टेंशन ख़त्म, नेक्स्ट टेंशन हैज़ नाउ बिगन के व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर क्लास 9th एडमिशन इन दिस ईयर। तो मैं बात करने वाला हूँ आपसे इन डिटेल इसके बारे में, पेपर के लेवल क्या था, क्या आसान था, क्या मुश्किल था, ये भी आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, बेल आइकॉन भी दबाएंगे ताकि ऐसी वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। दोस्तों पहले बात करते हैं पेपर के बारे में आपसे। पेपर दोस्तों लेवल सबसे पहले दोस्तों था आपका पार्ट इंग्लिश। सो इंग्लिश वाला पार्ट मेरे ख्याल से दो सवाल तो जो आपके थे, मतलब वोकैब, उसमें बच्चे फंसे होंगे, और एक सवाल था आपका मॉडल वाला, उससे बच्चे फंसे होंगे, बाकी तो आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। दोस्तों बात करेंगे आपसे हिंदी वाले पार्ट के बारे में। हिंदी पार्ट दोस्तों आसान था, एक सवाल जो है बहुव्रीहि समास में जो है मतलब मेन पद क्या होता है, वो सवाल दोस्तों था, जहाँ बच्चे शायद थोड़ा अटके होंगे। लेकिन ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ जब आसान था तो उनके लिए जो बच्चे प्रॉपरली पढ़ के गए होंगे, सबके बारे में बात नहीं, ऐसा नहीं कि हर बच्चा का इतना नंबर कर लेगा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ आती है, 9-10 बच्चे आते हैं, सीट्स काफ़ी कम है, तो 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, अब वही टेस्ट भी क्वालिफाई करते हैं। कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो सेकेंड ईयर दे रहे होंगे, सेकेंड टाइम दे रहे होंगे, तो उनसे उम्मीद है कि वो शायद यहाँ तक पहुँचेंगे, इतना कर पाएंगे, तो उनके लिए आसान था। ऐसा नहीं सबके लिए हलवा था, सब जो आएगा वो कर लेगा, तो उनके बारे में ही बात होती है जब आसान के बारे में बात हम करते हैं। तो उसके बाद तीसरा जो पार्ट था आपका उर्दू, वो आसान पार्ट था, लेकिन कुछ सवाल तो थोड़ा अंदर से भी आए थे, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पढ़ के गए होंगे, पूरा आपको डिटेल वही कर पाएंगे सारे सवाल, वरना कोई बच्चे या 2-3 सवाल में अटक गए होंगे। तो साइंस वाला पार्ट जो है ये भी आसान था, मेरे ख्याल से 2 सवाल को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सवाल दोस्तों मेरे ख्याल से आसान ही थे, कोई मुश्किल नहीं था उसके अंदर, अगेन पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों मैथ वाला पार्ट मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल था इस पेपर के अंदर, कुछ सवाल 9th के भी आए थे, जहाँ जो बच्चे पढ़ के प्रॉपरली गए होंगे वो भी अटके होंगे, कुछ सवाल लेंदी थे उनमें बच्चे अटके होंगे, और टोटल मेरे ख्याल से 10 सवाल दोस्तों मैथ में मेरे ख्याल से मुश्किल थे, जिनमें बच्चे अटके होंगे, टाइम टेकिंग थे, और कुछ और पार्ट था वो भी टाइम टेकिंग थे, आसान थे लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, और टाइम भी एक बहुत अहम फैक्टर होता है एग्ज़ाम में सवाल सॉल्व जब आप करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस पेपर के अंदर मेरे ख्याल से लगभग 14-15 सवाल के अराउंड मेरे ख्याल थोड़े मुश्किल रहे होंगे, इसमें थोड़े नहीं, मैथमेटिक्स तो ठीक ठाक मुश्किल थे, 10 सवाल तो काफ़ी मुश्किल थे मैथमेटिक्स में, ओवरऑल 15 सवाल मुश्किल में मैं डालूंगा, तो 70 सवाल आसान थे, लेकिन अगेन मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में जो अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे पूरे साल, और वो बच्चे जो सेकंड टाइम ये दे रहे होंगे उनके लिए 70 सवाल आसान ज़रूर होने चाहिए। सो बात करें कट ऑफ क्या रहेगी इसको देखते हुए तो कट ऑफ मेरे ख्याल से अगर बात करूँ मैं बॉयज़ के बारे में, बॉयज़ सेक्शन में उसको कट ऑफ मेरे ख्याल से 66 से लेके और 69 दोस्तों ये रेंज है मेरी 3 नंबर की, तो यहाँ कट ऑफ जो है वो आपको रहनी चाहिए। अगर आपके नंबर यहाँ पर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इंटरव्यू कॉल आ जानी चाहिए, इससे कम पे दोस्तों चांस मेरे ख्याल से केवल 5% है, और ये जो रेंज बता रहा हूँ ये 90% केस में अगर आपका स्कोर यहाँ पर आ रहा है तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, इसके ऊपर का चांस तो मेरे ख्याल से मान लें आप 5% मान लें ऊपर और इसके नीचे 5%, 90% केस में मेरे ख्याल से कट ऑफ 66 से 69 के बीच में होनी चाहिए, ओके 70 ऐसा नहीं है सारे बच्चों ने, मतलब वो बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो इतने नंबर लेके आएंगे, तो कट ऑफ यही रहने वाली है, क्योंकि जब बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो सवाल मुश्किल आ गया उसमें टाइम भी दे जाते हैं वो, तो टाइम कम बचता है उनको, इतनी समझ नहीं होती कि जो सवाल मुश्किल है उसको छोड़ा भी जाता है, उनको लगता है सारे करने हैं, तो ये बच्चे इसमें अटक जाते हैं, तो टाइम वाले वहाँ पर वो ले जाते होंगे। तो गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स सेक्शन में मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से 65 से 68 हो सकती है, इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये दोस्तों मेरी रेंज है कट ऑफ जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक कट ऑफ होने की मुझे पूरी उम्मीद है, 90% केस में जो है कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाली है, बाकी 5% इसके ऊपर मान लें और 5% इसके नीचे, और अगर ऊपर नीचे भी हुआ तो 1-2 नंबर का ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है, इसके नीचे तो बहुत ही मुश्किल है, शायद ऊपर हो जाएगा नंबर लेकिन नीचे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसे ये था मेरा गैस क्लास 9 कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे इसके बाद की वीडियो में मैथमेटिक्स के सोल्यूशन के बारे में, बताऊँगा कैसे इसको सॉल्व करते, उसके बाद की वीडियो आप वेट करिए, सब्सक्राइब आप प्लीज़ जरूर कर लीजिए, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।